मैंने कल के वीडियो में मैंने बताया था कि ट्राई COAI और कांग्रेस के प्रियंका गांधी ने रिक्वेस्ट किया है कि सभी ऑपरेटर को एक महीने के लिए फ्री रिचार्ज दिया जाए, क्योंकि हर किसी के पास तो इंटरनेट बैंकिंग नहीं है और बाहर कुछ दुकान भी खुला नहीं है कि हर कोई रिचार्ज कर पाए। और जैसे जानते हैं, बहुत सारे एक स्टेट से दूसरे स्टेट जो लोग काम करने जाते हैं, जो मजदूर जाते हैं, वो पैदल घर जा रहे हैं क्योंकि उनके पास उतना भी पैसा नहीं है कि वो किसी बस, कार या किसी से भी वो घर पहुंच सके। तो उनके पास रिचार्ज का क्या कितना पैसा होगा आप तो सोच ही सकते हैं। अगर उसी दौरान उनका रिचार्ज खत्म हो जाता है, वैलिडिटी खत्म हो जाता है, तो उनसे कॉन्टैक्ट कैसे किया जाएगा, उनसे वो अपने फैमिली से कैसे कॉन्टैक्ट करेगा, ये तो बहुत ही मुश्किल की बात हो जाएगी। तो इस दौरान BSNL ने सबसे पहले एक अच्छा कदम उठा लिया है। BSNL ने कहा है कि अगर 22 तारीख के बाद, 22 मार्च के बाद अगर आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है, 22 मार्च से पहले नहीं कि 22 मार्च के बाद अगर रिचार्ज खत्म हो जाता है, तो आपका वैलिडिटी को एक्सटेंड करके कर दिया जाएगा 20 अप्रैल तक। आपका वैलिडिटी को 20 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। उसके साथ ₹10 का आपको फ्री टॉक टाइम दिया जाएगा, ₹10 का टॉक टाइम बैलेंस आपको दिया जाएगा। आप किसी को कॉल या मिस कॉल भी कर सकते हो इमरजेंसी में, इसलिए आपको ₹10 का टॉक टाइम, उसके साथ 20 अप्रैल तक आपका वैलिडिटी को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, वो भी एकदम ही फ्री। और अभी तक जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया की तरफ से अभी तक कुछ अपडेट नहीं आया है। अगर कुछ अपडेट आता है तो हम अपने चैनल पर अपडेट कर देंगे। ऐसे और भी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल करके रखिए हमारे चैनल के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। अगर कुछ भी अपडेट आता है तो हम अपने चैनल में तुरंत अपडेट कर देंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद, गुड बाय, टाटा।